अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली कब है? कब है होली? कब? कृष्णा सर, होली आ रही है तो जीएसटी के अंदर हम होली कैसे खेलेंगे? अर्जुना, होली का त्योहार और उसमें जीएसटी के रंग, क्या मजा आएगा अगर ऐसी होली हम अगर खेलेंगे तो। और होली का त्योहार में रंगों की बौछार होती है, पुराना सब झगड़े भूल के दोस्तों के साथ यारों के साथ अपन मस्ती करते हैं। तो चलो इस बार की होली हम जीएसटी के साथ में खेलते हैं। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर गुलाबी रंग क्या कहलाता है? अर्जुना, गुलाबी रंग ये बहुत जीएसटी में प्यारा रंग होता है, या ये होली का बहुत प्यारा रंग है। तो ये जीएसटी के अंदर गुलाबी रंग क्या होगा? तो गुलाबी रंग मतलब उत्साह देने वाला और सॉफ्ट। तो ऐसा ही एक सर्कुलर आया है जिसमें हमको ये बताया गया है जीएसटी के अंदर कि सेल्स प्रमोशंस के अंदर, डिस्काउंट्स के अंदर, बाय वन गेट वन फ्री के अंदर, फ्री सैंपल्स में, फ्री सेल्स के अंदर ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा सर्कुलर रिसेंटली आया है मार्च महीने के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो फ्री सैंपल होते हैं और गिफ्ट होते हैं जिसका हम कोई कंसिडरेशन लेते नहीं, सप्लाई से इसका कोई लिंक नहीं, तो उसका ITC मिलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं कि कोई दिवाली का गिफ्ट दिया है हमने कोई एक बंदे को जो कि हमारा कंज्यूमर भी नहीं है, और वो एक अनजान व्यक्ति है और हमने उसको दिवाली का गिफ्ट दे दिया, तो ये हमारा बिजनेस के रिलेटेड हुआ नहीं, तो इसके ऊपर हमको ITC मिलेगा नहीं। पर ऐसे ही हम देखते हैं कि 10 चीजें खरीदो उसके ऊपर 2 फ्री देंगे, तो ये जो 2 फ्री दे रहे हैं इसके ऊपर ITC जरूर मिलेगा। तो इसमें से निचोड़ ये आया है कि बिजनेस के रिलेटेड, सेल्स प्रमोशन के रिलेटेड कोई स्कीम रहती है तो उसका ITC हमको जरूर मिलेगा। तो ये एक गुलाबी रंग की बौछार वाला सर्कुलर है। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग ये दर्शाता है कि निसर्ग का हरियाली भरा और सब तरफ उत्साह भरा रंग ये कहलाता है। ग्रोइंग का ये कलर है। तो अब ये जीएसटी के अंदर ये कलर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? तो हरा रंग का जो महत्व आया है जीएसटी के अंदर, ये आता है महाराष्ट्र का जो ऑर्डिनेंस आया है सेटलमेंट ऑफ एरियर्स का, उसको हम ये देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सारे पुराने झगड़े भूल जाओ और खूब होली खेलो, जो ये एक रहता है उसी हिसाब से सारे पुराने झगड़े खत्म करो, अपने एरियर्स को सेटल करो, जीएसटी के अंदर आगे बढ़ो, पुराने वैट के और 11 लॉस के झगड़े खत्म करो। तो ये महाराष्ट्र का जो सेटलमेंट का जो ऑर्डिनेंस है एरियर्स का, इसको हम हरा रंग देंगे। और होली के पहले दिन क्या होता है कि हम कुछ लकड़ियां और उसको जलाकर हम होली मनाते हैं। तो उसका महत्व क्या है कि पुरानी चीजें, पुराने रिवाज, पुराने झगड़ों को जलाओ और नए तरीके से जीवन का आनंद लो। तो उसी हिसाब से पुराने भैट के झगड़े खत्म करें, ऑर्डिनेंस का बेनिफिट ले, सेटल करें और आनंद ले। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर लाल रंग क्या दर्शाता है? लाल रंग होली के अंदर, लाल रंग का भी बड़ा महत्व है, सब तरफ लाल रंग दिखता है। और ये लाल रंग का दूसरा जीएसटी के अंदर है कि थोड़ा रुको और वार्निंग के जैसा भी ये रंग आ सकता है। तो लाल रंग के जैसे प्रोविजन अब 1 अप्रैल 2019 से आगे नए रिटर्न्स की सिस्टम आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कि अपलोड चेक एंड लॉक सिस्टम। यानी क्या? इनवॉइस अपलोड करो, सामने वाला उसको चेक करेगा, लॉक करेगा, ITC मिल जाएगा। तो ये नया रिटर्न का सिस्टम 1 अप्रैल 2019 से जीएसटी में आने वाला है। तो थोड़ा सा लाल रंग वार्निंग जैसा है, क्योंकि पुराने
जीएसटी के सिस्टम्स के इश्यूज अपने को पता है, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे ये सिंप्लीफाइड रिटर्न सिस्टम सहज जो है ये सक्सेस हो जाए। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर काला रंग क्या दर्शाता है? काला रंग जीएसटी में क्या दर्शाता है? तो काला रंग मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी, अंधेरा छाया हुआ है, जहां थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, ऐसा हम समझे। तो ये जो रियल इस्टेट का सेक्टर है, इसको फरवरी के अंदर काउंसिल ने थोड़ा सा प्रोविजंस लाने की कोशिश करी है, नहीं कि 1 अप्रैल 2019 से 5% जीएसटी लगेगा, जो भी फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन वाले है उनके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। और अभी तक ये इसके ऊपर कोई क्लियर नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं। 19th ऑफ मार्च को इसके ऊपर कुछ आने वाला है काउंसिल मीटिंग में, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काला सा एक धुंधला सा माहौल है रियल इस्टेट सेक्टर में, क्योंकि कंज्यूमर भी बुकिंग के लिए आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी अगर बुकिंग करें तो 5%, 1 अप्रैल के बाद करें तो 12%, 1 अप्रैल के बाद करें तो 5%। फिर बिल्डर्स भी परेशान है कि आईटीसी जो हमने ऑलरेडी ले चुका है इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 31 मार्च को क्या होगा। तो एक कश्मकश भरा माहौल अभी रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर है जीएसटी के प्रावधान के वजह से। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर कौन से रंग जल्दी नहीं निकलते हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी जीएसटी में रंग है जो धुलाए धुले नहीं निकलते, जैसे होली में अगर हम दूसरे दिन ना भी ले तो कई लोगों के चेहरे पे वो रंग दिखते हैं। तो जीएसटी के अंदर भी ऐसा ही है कि रिवाइज रिटर्न ठीक तरीके से करेक्ट नहीं होते हैं, ईवे बिल के अंदर गलतियां हो जाए तो करेक्शंस के लिए बहुत कम उसके अंदर प्रावधान है। फिर मिसमैच अगर होता है 2A के अंदर, सामने वाला रिटर्न्स नहीं भरता है तो हमारे को आईटीसी लेने में दिक्कतें आती है, फिर इसको हमको दूसरे महीने के रिटर्न्स में ठीक करना पड़ता है, रिकंसिलेशंस करना पड़ता है। तो जीएसटी के भी कुछ ऐसे रिवाइज रिटर्न्स के रंग है जो आगे चलते ही जाते हैं और इसका सॉल्यूशंस अभी तक कॉन्क्रीटली किसी को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे जीएसटी की परेशानियों के साथ थोड़ा सा टैक्स पेयर को भी और आगे चलना पड़ रहा है। कृष्णा सर, जीएसटी के अंदर छोटे टैक्स पेयर होली कैसे खेलेंगे? जीएसटी के अंदर छोटे छोटे करदाता रहते हैं, होली के अंदर भी छोटे बच्चों के लिए होली बड़ी मजेदार रहती है, तो छोटी छोटी पिचकारियां बलून्स वलून के साथ बच्चे मजे करते हैं, तो वैसे ही स्मॉल टैक्स पेयर्स की होली कैसी रहेगी। तो 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर छोटे व्यापारियों में उत्साह है। फिर जो गुड्स सप्लायर है इनको 20 लाख तक जीएसटी का एग्जम्पशन का लिमिट है, ये 1 अप्रैल से बढ़ा के 40 लाख करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा उत्साह है क्योंकि कई छोटे मोटे व्यापारी जीएसटी से बाहर निकल जाएंगे। फिर नए छोटे जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 20 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वैसा ही रहेगा, पर एक नया कंपोजिशन स्कीम उनके लिए आने वाला है जो 50 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर तक एप्लीकेबल होगा, 6% रेट ऑफ जीएसटी उसमें रहेगा, ये हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल में नहीं लगा पाएंगे, सामने वाले को भी आईटीसी इसका नहीं मिलेगा, हमको भी आईटीसी कोई भी परचेजेस का नहीं मिलेगा। तो ये छोटे सप्लायर्स के लिए नया स्कीम आने वाला है। फिर रिटर्न्स की जो नई सिस्टम आ रही है, इसमें भी जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको भी इसमें थोड़ी सुविधा दी गई है, तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ये जीएसटी के आने वाली होली बड़ी आनंददायी रहेगी। कृष्णा सर, इससे हमें क्या बोध लेना चाहिए? हाँ, अब ये जो आखिरी सवाल है कि इसमें से क्या बोध ले, होली में हम सब कुछ भूल भाल के खूब मजे से खेलते हैं, हर एक को रंग लगाते हैं, हर एक जन अपने को रंग लगाता है, उसी हिसाब से जीएसटी के अंदर भी हर एक करदाता टैक्स पे करे, रिटर्न्स अपने अपने प्रॉपरली फाइल करे, तो मिसमैचेस कम रहेंगे, तो इसमें जीएसटी के अंदर भी बिजनेस के रिलेटेड जो 1 अप्रैल से 2019 से जो चेंजेस आ रहे हैं इससे सुविधा होगी ऐसा लग रहा है। और एक ही चीज का डर है कि अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद में नया रिटर्न सिस्टम्स के अंदर अगर टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो जैसे होली के अंदर हम चिल्लाते हैं दोस्तों के नाम से जिसको हम होली की बॉम्ब बोलते हैं, वैसा जीएसटी का टैक्स पेयर फिर से जीएसटी नेटवर्क को नाम ना रखे,
यही हमारी इच्छा है। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल। थैंक यू।